नमस्कार, मेरा नाम मंजरी है और मैं PGT इंग्लिश हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका विभाग का और हमारे प्रिंसिपल मैम का धन्यवाद कहना चाहूँगी कि हमारे स्कूल में इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं जो टीचर्स एज वेल एज बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। स्मार्ट बोर्ड के थ्रू टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट, ईजी और स्टूडेंट फ्रेंडली हो गया है। इसमें जो टीचिंग है वो स्टूडेंट सेंट्रिक है, यानी हमारी एक्टिविटी चीज़ जो है, हम कोई भी चीज़ को जो हम पढ़ के कर रहे हैं उसको अब हम उसका ऑडियो भी देख सकते हैं और उसको सुन सकते हैं और उसका वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे उनकी लर्निंग परमानेंट रहती है। उनको वो देखी हुई चीज़ लंबे समय तक याद रखती है। साथ ही साथ हमारे स्कूल में जनरेटर की फैसिलिटी भी है, अगर लाइट भी चली जाती है तो उसके साथ साथ जो है ये जनरेटर की बस फिटिंग होनी बाकी है इसके तारों की। तो आई थिंक ये फुल टाइम जो है टीचिंग विदाउट एनी काइंड ऑफ स्टॉपेज जो है हम अपनी टीचिंग लर्निंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कदम है और एक फ्यूचर की तरफ हमें लेके जा रहा है, फ्यूचर की टीचिंग लर्निंग की तरफ। अगर इंटरनेट की बात करें तो स्मार्ट बोर्ड में इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप लोग किस तरह से करते हो? स्कूल का इंटरनेट यूज़ करते हो या मोबाइल से भी स्मार्ट बोर्ड को कनेक्ट किया जाता है? सर, वैसे तो स्कूल के ऑफिस का इंटरनेट अवेलेबल है, हम वो यूज़ कर लेते हैं। अगर कनेक्टिविटी कम है तो हमारे पास खुद के पास भी फ़ोन में इतना डेटा होता है और वो हम यूज़ कर लेते हैं अपना भी। सेकेंडली, एक हमारे बोर्ड में मिररिंग की ऑप्शन है, तो उसमें आप अपने फ़ोन को मिरर कर सकते हैं, फ़ोन के ऊपर डेटा हमारा स्टोर है वो हम दिखा सकते हैं, उसमें इंटरनेट की जरूरत भी नहीं होती है ज़्यादा। तो उसमें मिररिंग करके हम ब्लूटूथ के जरिए तो अपना डेटा हम साथ के साथ दिखा सकते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, जिसमें अगर बाई चांस लाइट नहीं है, डेटा नहीं है, कोई है नहीं है, तो भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं अगर इंटरनेट बाई चांस नहीं है। मैं दिनेश कुमार, एज TGT इंग्लिश, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर रानी। और हमारी जो है 1 अप्रैल से सेशन शुरू हुआ और तभी से हमारे जो स्मार्ट रूम्स हैं ये अवेलेबल करवाए गए हैं बच्चों को, ताकि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो इम्प्रूव किया जा सके और जो कोरोना काल के दौरान जो भी लर्निंग गैप्स इनके रहे हैं उनको फिल किया जा सके। तो सर, क्या कुछ स्मार्ट रूम्स जो बनाए गए हैं, क्या फैसिलिटीज़ दी गई हैं? स्मार्ट रूम्स में ये डिजिटल बोर्ड्स लगाए गए हैं, कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं, ताकि जो भी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों की और लर्निंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो कैप्चर की जा सके और जो भी गैप है, जो भी उनकी वीकनेसेस हैं, उनको दूर किया जा सके। तो सर, जो स्मार्ट बोर्ड लगाए गए हैं वो लाइट से चलते होंगे, तो यहाँ पे जैसे लाइट्स की दिक्कत आ जाती है? नो, भाई हमारे पास जनरेटर्स भी हैं और अगर लाइट नहीं आती है तो हम जनरेटर का यूज़ करते हैं और ये भी बैटरी से चलते हैं, तो बैकअप, पावर बैकअप हमारे पास रहता है। कितनी देर का पावर बैकअप जो आपको जानकारी हो इसका रहता होगा? हाँ जी, ये 1/2 आवर जो है हमारे पास पावर बैकअप रहता है और इसके बावजूद, इसके बाद भी हम 1 घंटे के लिए हम जो जनरेटर का यूज़ कर सकते हैं, कोई वो इशू नहीं है इस चीज़ का। तो सर, क्या कुछ इस पे पढ़ाया जाता है आपके द्वारा बच्चों को, किस तरह की एक्टिविटीज़ स्मार्ट बोर्ड के द्वारा करवाई जा रही है? इस पे हम जैसे जो लेसन है वो भी डिलीवर हो जाते हैं, कई जो लेसन ऑलरेडी होते हैं हमारे पास जो दीक्षा ऐप पे हैं, यूट्यूब पे भी कई अच्छा कंटेंट है, तो उसकी हेल्प से हम बच्चों को सिखाते हैं। और इसमें बुक्स भी हैं, जो बच्चे बुक्स नहीं ले पा रहे हैं अभी, जैसे NCERT की शॉर्टेज चल रही है बुक्स की, तो उसको कवर करने के लिए इसमें बुक्स भी हैं दीक्षा ऐप पे। तो इस तरह से हम ये लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करने के लिए ये सब करते हैं। मेरा नाम दीक्षा चौहान है, मैं बढ़ाना चाह रही हूँ। तो कैसा लगता है आपके स्मार्ट जो रूम है वो बोर्ड लगे हैं क्लासरूम्स में? ठीक, अच्छा लगता है और अच्छी तरह समझ भी आ जाता है और जल्दी काम, सिलेबस जल्दी पेंडिंग जो रहता है वो कम्प्लीट हो जाता है। तो इससे पहले भी कभी स्मार्ट बोर्ड पे पढ़े हो या इसी स्कूल में आके आपने स्मार्ट बोर्ड? इससे पहले किस स्कूल में आप पढ़ा करते? नाम है संतोष और मैं यहाँ पर PGT इंग्लिश हूँ और इंग्लिश टीच करती हूँ बच्चों को। मैम, स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए हैं, CCTV कैमरा लगे हैं, बोर्ड लगे हैं स्मार्ट, किस तरह से देखते हैं बच्चे किस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कुछ नया सीखने को बच्चों को यहाँ पे? बहुत कुछ सीख रहे हैं बच्चे, नई टेक्निक है, तो नाम ही स्मार्ट बोर्ड है तो बच्चों को भी स्मार्ट बना रहे हैं ये बोर्ड।
और बहुत इंजॉय कर रहे हैं बच्चे, बहुत हेल्प हो रही है, इफ़ेक्टिव हो रही है उनकी टीचिंग और लर्निंग दोनों, और बच्चों को बड़ा मतलब बड़ा मज़ा आ रहा है। तो बच्चों के साथ साथ जो टीचर हैं उनको कैसा महसूस होता है जब स्मार्ट बोर्ड में, क्योंकि पहले चाक लेके हम काफ़ी देर लिखा करते थे फिर उसको मिटाया करते थे, अब स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं, तो उसके बाद में क्या कुछ चेंज आप लोगों की लाइफ में भी स्कूल में स्टडी के दौरान आया है? बहुत चेंज है सर, बहुत अच्छा लग रहा है, हम भी स्मार्ट हो रहे हैं स्मार्ट बोर्ड के साथ साथ, और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम मैग है और मैं एट क्लास में पढ़ती हूँ। जब से हमारे स्मार्ट बोर्ड आया है हमारी जो पढ़ाई है बहुत ईजी हो गई है, और इन लर्निंग जो सर पढ़ाते हैं वो भी हमारे लिए बहुत ईजी हो गई है। कैसा लगता है जब स्मार्ट बोर्ड पे क्लास लगती है? हमें बहुत अच्छी लगती है और हमें जल्दी सीख जाते हैं हम वीडियो से। घर वालों को भी बताया कि स्मार्ट बोर्ड लगे हैं स्कूल में, तो घर वालों की क्या प्रतिक्रिया है स्कूल में? सर वो ऐसे कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, तुम भी लर्निंग कर सकते हो। आई एम विजय कुमार, लेक्चरर इंग्लिश हियर, एंड प्रेजेंटली आई एम इन क्लास 7th। यू कैन सी दिस इज आवर स्मार्ट क्लासरूम where gadgets are provided by department. We are thankful, especially Globus company. कितना अच्छा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का lack था वो बड़ा hurdle था हमारे लिए, हम कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि हर फील्ड में प्रोग्रेस हुआ है, तो क्यों ना टीचिंग में भी, तो नई नई टेक्निक आ रही है उन्हें अपना रहे हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि बच्चों ने अभी बीते संडे को जो मदर डे था तो हमने सेलिब्रेट किया, तो आप देख पा रहे हैं बच्चे बहुत ही मनोरंजक ढंग से और एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग जो हम अपनाते हैं, इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया कि बच्चे इंग्लिश स्पीक कर सकें, तो आप देख पा रहे हैं कि बच्चे पूरा एंजॉय करते हैं, और ये सब इन्हीं साधनों की वजह से हुआ है। थैंक्स टू आवर प्रिंसिपल मैम कि जो इतना बढ़ चढ़ कर इंटरेस्ट लेते हैं, और विभाग से हर प्रकार की सुविधाएं जो है मुहैया टीचर्स को और स्टाफ को करवा रही हैं, जिससे रायपुर रानी इलाका वासियों को बहुत लाभ हो रहा है। बच्चे की नॉलेज में एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग के थ्रू कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है उनका, तो इस सब में इसका योगदान है ही। स्मार्ट क्लासरूम होंगे तो बच्चे स्मार्ट बनेंगे। अभी देखने में आया मदर्स डे का कार्यक्रम आप बच्चों को दिखा रहे हो, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कब शूट किया गया था और कैसा बच्चों का अनुभव रहा है, खुद की वीडियो सामने देख रहे हैं बैठ के? जी हाँ, बच्चों का ही सजेशन आया था कि मदर्स डे है हम सेलिब्रेट करेंगे, विच इज़ सेलिब्रेटिंग ऑन एवरी सेकंड संडे ऑफ मे, तो हमने तैयारियां 3-4 दिन पहले शुरू कर दी थी। मदर्स को भी हमने इन्वॉल्व किया, उन्होंने भी अपने फोटोग्राफ शेयर किए, व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया ओकेज़न पर, फिर बच्चों ने जो है अपनी मदर्स के बारे में अपने भाव व्यक्त किए, ग्रैटिट्यूड व्यक्त किया, उनको थैंक्स किया कि व्हाट दे आर डूइंग, तो आप देख पा रहे हैं बड़ा अच्छा उनका अपना ही एक क्रिएटिविटी निकल के आई है। तो ये क्रिएटिव और एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग जो है बच्चों के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको निकालने का ही जो है एजुकेशन का पर्पज होता है, तो उसमें हम सफल रहे हैं। ज़रूर ये बच्चे इलाके का नाम रोशन करेंगे बड़े होकर, और थैंक्स टू वंस अगेन की डिपार्टमेंट ने अच्छे स्मार्ट क्लासरूम हमें दिए हैं और फ्रेंड ट्रस्ट हमें दे रहे हैं। कमलप्रीत, आई रीड इन क्लास 8A। तो आपके जो क्लासरूम है उसमें CCTV कैमरा और बोर्ड लगाए गए हैं, किस तरह से देखते हो आप लड़की हो लड़कियों की सेफ्टी को लेकर, और बोर्ड के बारे में क्या कुछ आप कहोगे जो उसमें? सर जैसे ये बोर्ड लगे हैं हमें बहुत अच्छा है, और दिनेश सर बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं हमें, और हमें बहुत ईजी होता है कि हमें बहुत अच्छी तरह समझाते हैं हम बोर्ड पर। और CCTV जैसे कि बच्चे क्लास में शरारत करते हैं ना, तो फिर प्रिंसिपल मैम पे जाती है इसकी रिकॉर्डिंग सारी। नमस्कार, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल रायपुर रानी पंचकूला। डिपार्टमेंट की तरफ से है, हरियाणा सरकार की तरफ से है, सभी स्कूल्स में डिजिटल बोर्ड है प्रोवाइड किए गए हैं। पहले भी मेरे विद्यालय में है लगभग 5 से 6 डिजिटल बोर्ड हैं, और अभी भी और कुछ हमारे पास डिजिटल बोर्ड आए हैं, तो हमने एक कमेटी बनाकर विचार किया गया है कि क्यों ना सबसे पहले हम 6 से 8 को क्लास को ही अपग्रेड करें। तो हमने है 6 से 8 में हैं जो जितने भी हमारी क्लासेस सब में डिजिटल बोर्ड हमने लगवा दिए गए। कैमरा भी लगाए गए हैं स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर। हाँ जी, मैंने जब यहाँ पर ज्वाइन किया था थोड़ी सी मेरे को है जो डिसिप्लिन में थोड़ी सी अव्यवस्था दिखाई दी थी, जो आउटसाइडर बच्चे आते थे तो स्कूल लगने से पहले भी स्कूल में क्लासरूम में घूमते रहते थे, बाहर के लोगों ने स्कूल का एक विजिटिंग प्लेस ही बनाया हुआ था, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो उसका कुछ मैंने समाधान ढूंढा है कि
कि इसका क्या किया जाए। तो सबसे पहले तो मैंने कई बार तो ऐसे किया है कि जब हमारा स्कूल 8 बजे था तो कई बार मैं 7 बजे स्कूल में आ जाती थी, उसको चेकआउट करती थी, और कई बार तो मैं छुट्टी के बाद भी शाम को भी आकर मैंने राउंड लगाए हैं कि स्कूल में क्या एक्टिविटी हो रही, क्या नहीं हो रहा। तो थोड़ा सा मेरे को माहौल वो अच्छा नहीं लगा, कई बच्चों को मैंने पकड़ा दिया, और क्योंकि उस टाइम कोरोना था और वो कुछ अपना मास्क लगा लेते थे, अपनी छुपा लेते थे अपने चेहरे को, तो वो उसका फ़ायदा उठाते थे, तो वो बात नहीं बनी है। तो फिर अब मैंने सोचा है कि क्यों ना है इसका परमानेंट कोई समाधान नहीं है। तो अब मैंने पूरे स्कूल में है चप्पे चप्पे पर कैमरे लगवा दिए हुए हैं, लगभग 35 से 40 कैमरे मेरे स्कूल में अब लगे हुए हैं, अब कोई भी यहाँ पर कोई शरारती तत्व प्रवेश नहीं कर सकता। तो जो स्मार्ट बोर्ड लगाए गए हैं उनके लिए टीचर्स को ट्रेनिंग वगैरह दी गई है या सीधा बस टीचर अपने अनुभव से? नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले तो हम प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग दी गई है, हमें बताया गया है, वन डे की एक वर्कशॉप लगाई गई थी कि ये इसका रोल क्या रहेगा, कैसे चलाना आएगा। और वैसे भी मेरे को जैसे कि थोड़ा सा है डिजिटल की तरफ मेरा रुझान शुरू से ही ज़्यादा रहा है, तो मैं भी इसके लिए खुद अपने मेरे प्रयास रहते हैं कि मैं इसमें इंटरेस्ट हूँ और मेरा इंटरेस्ट है भी है। तो सबसे पहले है प्रिंसिपल को इसकी ट्रेनिंग दी गई है, उसके बाद है फिर कुछ है ये टीम बनाकर है जो टीचर्स को भी इनकी ट्रेनिंग दी गई है। और आजकल तो सबके पास स्मार्ट है, मोबाइल फ़ोन है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है सबको चलाने। मेरा नाम रेनू शर्मा है, मैं कंप्यूटर टीचर हूँ, बच्चों को मैं मैथ पढ़ाता हूँ। सर, स्मार्ट बोर्ड के आने से बच्चे पढ़ाई के साथ साथ इंजॉय कर रहे हैं उस पढ़ाई को ना, जैसे स्मार्ट बोर्ड में कई तरह की हमें फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, कलर चेंज का ऑप्शन है, या कार्टून आप बनाकर बच्चे को समझा सकते हैं, मैथ की ट्रिक्स शेप के थ्रू आप समझा सकते हैं, तो वो सारी फैसिलिटीज़ हमें स्मार्ट बोर्ड में अवेलेबल कर। तो सभी क्लासेज जो हैं वो पूरी की पूरी जितनी भी उनकी घंटी होती हैं वो सब स्मार्ट बोर्ड पे लगाई जा रही हैं? सिर्फ सारी क्लासेस हम स्मार्ट बोर्ड पे ही ले रहे हैं, बच्चे बहुत खुश हैं स्मार्ट बोर्ड के आने से, इंजॉय कर रहे हैं वो पढ़ाई को पूरी तरह से। नाम राकेश कुमार है और मैं यहाँ पर पीजीटी फिजिक्स हूँ, तो मैं साइंस और फिजिक्स टीच करता हूँ। तो आजकल साइंस की पढ़ाई जो आप लोगों की करवाई जा रही है, बच्चों को करवाई जा रही है, उसको किस तरह से स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से बच्चे सीख रहे हैं और कैसा अनुभव आपका स्मार्ट बोर्ड पे है? सर, पहले हम ब्लैक बोर्ड और बुक्स वगैरह यूज़ करते थे, तो स्मार्ट बोर्ड हमें जो है इन सभी कन्वेंशनल टेक्निक से बियॉन्ड एक्सप्लोरेशन हमें देता है, और स्मार्ट बोर्ड से हम बहुत ईजी महसूस करते हैं पढ़ाने में, और बच्चे भी बहुत इन्जॉय करते हैं स्मार्ट बोर्ड से पढ़ने में। जैसे मान लीजिए बुक्स में कोई टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं और तो बुक्स में हम उसका कोई क्लिप नहीं दिखा पा रहे बच्चों को, वीडियो के माध्यम से नहीं दिखा पा रहे, पर स्मार्ट बोर्ड हमें गूगल एक्सेस प्रोवाइड करता है और बहुत सारी चीज़ों की एक्सेस प्रोवाइड करता है, तो हम तुरंत जो है कोई भी क्लिप जो है डाउनलोड करके यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को दिखा सकते हैं, जिससे बच्चों की क्लैरिटी टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और टीचर को भी अपने विषय में जानने के लिए बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है स्मार्ट बोर्ड में। ऑलरेडी स्मार्ट बोर्ड में कंटेंट फीड भी है और हम ब्राउज़र के माध्यम से भी बहुत सारा कंटेंट जो है डाउनलोड कर सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं, और हम बियॉन्ड कन्वेंशंस जो बुक और ब्लैक बोर्ड की जो टेक्निक्स है उससे हम आगे जा सकते हैं। तो सर, क्या टीचर्स को इसके लिए पहले से ट्रेनिंग दी गई है जो स्मार्ट बोर्ड लगाए गए हैं, या सिर्फ टीचर अपने अनुभव के हिसाब से ही अब स्मार्ट बोर्ड को चला रहे हैं? नहीं, सभी टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, प्रोफेशनल्स ने सभी ने ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, और अब सभी टीचर्स जो है ट्रेंड होके सभी क्लासेज में जो है स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से ही पढ़ा रहे हैं। स्मार्ट बोर्ड लगे बहुत अच्छा लगता